आपसे भाजपा आए हल्के की मीटिंग हुई और उसे मैं तक रखा कि जो फ्लोर है वो नशे की मंडी बन गया और नशे के व्यापारी इतने के जो अकाली दल के हैं इतने के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने शहद है इतने होम डिलीवरी हो रही है। कहा कि साढ़े फ्लोर में ड्रग की होम डिलीवरी हो रही है टेलीफोन से और उन्हें कोड वर्ड लिखे मैं एक पुलिस वाले ने दसिया कोड वर्ड जरा किता तो यह है भी टेलीफोन ज्यादा जरा बेचना रहा उसको मैं आप बोल रहा दिमाग में धातु आ गई है वो कहता जो इतना फेस बुद्धि है कहता तो कहते हैं चिट्टे का नाम हुआ तुम आ जाओ मिल जाओ एक का नाम पड़े ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਲਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਫਲੋਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗਰਾਇਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸਮਾਧਾਨ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰੇਡ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਰਾਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਬੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਔਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਤਾਂ ਔਰ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਕਰਦਾ ਤੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਮਿੱਤਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਦਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਔਰ ਇਸ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਬਾਦਲ ਮੋਇਆ ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ।
खाली कर दिया, बदर बाबा मर गया, नदी खाली कर दिया, पीटीए बाबा मर गया, नदी खाली कर दिया, पीटीए बाबा मर गया, चलाओ आज जलंधर के सारे हमारे कांग्रेस के सारे लीडर्स और वर्कर्स यहां बैठे हैं कमिश्नर के ऑफिस में, हमको गिरफ्तार किया इन्होंने। और इसमें इशू मुद्दा जो है वो विक्रम मजीठिया जो सुखबीर सिंह बादल का साला है ब्रदर लॉ, उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, और जो सबसे बड़ा ड्रग एक्यूज पकड़ा गया जगदीश भोला, उसने मीडिया के सामने इस मिनिस्टर का नाम ले दिया और पंजाब गवर्नमेंट और डीजीपी पंजाब पुलिस सब एक मिनट में वहां पर आए और उसने बोला कि विक्रम मजीठिया को क्लीन चिट दे दी। उसका पंजाब के बच्चे बच्चे की जुबान पर उसका नाम है। हमारे लाखों घर इस तरह के हैं जहां बच्चे नशे के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं, वहां पर मायूसी है। पंजाब के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कौन कौन ताकतवर लोग, मजीठिया है और भी मिनिस्टर्स के नाम जगदीश भोला बोल रहे हैं कि लेने हैं हमने, ऐसे बहुत ताकतवर लोग हैं जिनके नाम उभर कर आएंगे अगर यहां फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि सीबीआई के अलावा यहां कोई जांच फेयर हो नहीं सकती। पंजाब की पुलिस, जब डीजीपी ने पहले ही विदाउट इन्वेस्टिगेशन क्लीन चिट दे दी और पंजाब पुलिस का बहुत बुरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है, ये बादल मजीठिया परिवारों की एक निजी फौज की तरह काम कर रही है, इससे किसी को उम्मीद नहीं है। इसलिए आज जो धरना हुआ है वो हम मांग कर रहे हैं, और खासतौर पर जगदीश भोला और जगजीत चाहल जो पकड़े गए थे ड्रग रैकेट में, उन्होंने आप ही हाईकोर्ट में एक फरियाद डाल दी है, पिटीशन डाल दी कि सीबीआई से जांच करवाएं, हमारी जान को भी इन लोगों से खतरा है और हम बड़े बड़े नाम बताने को तैयार हैं कि कौन कौन वजीर, कौन कौन पुलिस ऑफिसर्स इस ड्रग स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के हम लगातार इसका विरोध करेंगे, चाहे गिरफ्तार कर लें, चाहे हमारे को मुकदमे दर्ज कर लें, लेकिन पंजाब की कांग्रेस इस मुद्दे को इसका इंसाफ हासिल करके ही सांस लेगी। एक पूर्व डीजीपी जो शशिकांत है, उनका भी कल आ रहा था कि वो कह रहे हैं कि मुझे जान का खतरा है या मुझे, कल मैंने भी सारा पढ़ा और टेलीविजन पर देखा, बड़े अफसोस की बात है कि एक डीजीपी रिटायर्ड जो पंजाब पुलिस का है, अगर वो अपने आप महफूज नहीं महसूस कर रहा और वो उसको लगता है कि कोई माफिया टाइप के लोग उसको अबडक्ट और उठा करके लेके जाना चाहते हैं, तो देन यू कैन इमेजिन व्हाट इज द प्लाइट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन पंजाब। जो आम आदमी हैं, जो लड़ते हैं, भिड़ते हैं, जो ह्यूमन राइट्स का काम करते हैं, वो सरासर खतरे में रहते हैं। हम जैसे लोग जो माफिया के खिलाफ बोलते हैं, सारा माफिया तो सुखबीर बादल के साथ है, चाहे वो ड्रग माफिया है, चाहे रेत का माफिया है, चाहे शराब का माफिया है, चाहे केबल नेटवर्क का माफिया है, सारा माफिया उनके साथ और सिक्योरिटी भी उनके साथ। 250 आदमी सिक्योरिटी का लेकर के घूम रहे हैं, लाम लश्कर लेकर के। और जो हमारे जैसे लोग, कांग्रेस के आम कार्यकर्ता जो यहां लड़ाई लड़ते हैं जमीन पर, उनकी सबकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, माफिया उनके खिलाफ है। और जैसे डीजीपी शशिकांत के साथ हुआ, ये किसी के साथ भी पंजाब में हो सकता है। इसलिए वी स्ट्रांगली कंडेम दिस ड्रेकोनियन मेजर्स दैट द गवर्नमेंट इज अडॉप्टिंग इन ट्राइंग टू मजल द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन इन पंजाब, एंड वी विल कंटिन्यू आवर स्ट्रगल टिल वी अचीव सक्सेस इन गेटिंग पीपल ड्रग माफिया लाइक मिस्टर विक्रम मजीठिया नेल्ड। दैट्स आवर मोटिव।